Fits exactly what a bhashya should be. Bhadresha Swami ji ne is bhashya ki rachana ke dwara acharya shankar acharya ramanuja acharya madhu us bhashyakaron ke koti mein Bhadresha Swami ji pravisht hue hain. To ye vedanton ke jo granth the ye kai saal purane ho gaye, kai shatakon se beech mein puri khai padi hai. Ye pehli baar kai shatakon ke baad mein is granth ka nirman ho raha hai. कि अतुलनीय शास्त्र ग्रंथ है, इसकी तुलना नहीं हो सकती. दिस इज अ न्यू फिलोसफी. वी नो अबाउट द वेदांत फिलोसफी व्हिच हैज मेनी स्कूल्स फ्रॉम शंकर टू श्री कृष्ण चैतन्य. इट इज न्यू वन अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन. दिस फिलोसफी अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनम इज बेस्ड ऑन उपनिषदिक टीचिंग्स. On the basis of the prasthanatra. संभवतः आज के युग में यह प्रथम कार्य है जिस पर हम आदि शंकराचार्य ने हमारी भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए भाष्यों का निर्माण किया. उसी तरह उसी परंपरा संस्कृत भाषा में उसका निरूपण किया. यह निरूपण बहुत मान्यतम है, हम लोगों के लिए उपासनीय है. ये पूरे के पूरे अध्यात्म दर्शन और भारतीय संस्कृति का भाष्य है. The Swami Narayan Siddhant Sutta is written in very lucid, not unnecessarily complex Sanskrit. And the overall style is reminiscent to me of the clarity and eloquence of the Shankaracharya's Bhashya writing. Ye darshan jo vad granth likha hai prakaran granth pradeshasane o satva darshan hai saptama darshanam idam. भारतीय विद्या परंपरा में वस्तुतः यह पहला अवसर है जब संपूर्ण
प्रस्थान त्रयी का भाष्य लिखने वाला आचार्य अपने संप्रदाय का वादक ग्रंथ लिख रहा है। यह पहली बार हुआ है। मैंने मेरे कहने का मतलब पहली बार का मतलब पूरी परंपरा को मैं कर रहा हूं, वेद से लेकर अब तक यह पहली बार हुआ। शुद्ध पवित्र है, अति अति स्वच्छ है, स्वच्छ।